चीज़ मैम, मैं ये पूछना चाहूँगा स्पेशली कि जो अभी जैसे हालिया प्रीलिम्स आने वाला है और प्रीलिम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो स्पेशली जो लोग अभी प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं उनको जो है क्या स्ट्रेटजी जो है फॉलो करना चाहिए, आपके जो कोई आप जो उन्हें सजेशंस देना चाहेंगे, आपके सजेशंस जो इसमें जो प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए क्या रहने वाले? जो लोग अभी जस्ट प्रीलिम्स में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए तो ये है कि देखिए, तो अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन पहले तो आप बहुत ज़्यादा खुद को बर्डन बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि 2 पेपर होते हैं एक दिन में। आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि ज़्यादा हम जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। आप एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा कि आप जितने क्वेश्चन करके आएँ वो एटलीस्ट आपके ठीक हों, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग है, आपको हर्ट करेगी बाद में मार्क्स में। सी सैट के लिए अगर आपने पेपर ज़्यादा नहीं लगाए हैं तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सी सैट की वजह से नुकसान हो जाता है, तो आप एटलीस्ट 2-3 पेपर तो लगा ही लीजिए इस स्टेज में। तो ये तो वो है जो लोग अभी जा रहे हैं उनके लिए, और बेसिक आप करेंट अफेयर्स रिवाइज़ कर लीजिए। पर जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और शायद अगले साल या उसके बाद देंगे, उनको मैं ये कहूँगी कि आप बेसिक कंटेंट अपना अच्छे से पढ़िए, आप मेंस की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि क्वेश्चंस एनालिटिकल हो गए हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कई बार फैक्ट्स पता भी नहीं होते प्रीलिम्स में, लेकिन अगर मेंस की एक अंडरस्टैंडिंग है तो उससे प्रीलिम्स में ऑप्शंस के एलिमिनेशन में हेल्प मिलती है। तो इस तरह से आप करिए, और 2-3 महीने जब लास्ट के आते हैं तब आप रिग्रेसली अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 40 से 50 अगर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा। प्रीलिम्स में जो है टेस्ट सीरीज का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो ऐसे में जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं करते वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, या जो आपकी नज़र में टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए वो कितना रहता है, इससे वाकई में कोई हेल्प होती है या नहीं? बिल्कुल रहती है। देखिए, टेस्ट सीरीज को आप जस्ट टेस्ट सीरीज मत समझिए, ये वैसे ही है कि मैथ्स में आपको सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया और आपने एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया और आप सीधे एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि a+b² = a² + b² + 2ab, आपको पता ही नहीं a क्या है, b क्या है और मैं कैसे करूं। तो ऐसे ही ये सिविल सर्विस में भी है, जो वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ जान करके फैक्ट्स को क्वेश्चन वहाँ पे जो आएंगे उस टाइम प्रेशर में सॉल्व कर पाना काफ़ी मुश्किल है, तो प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट।